हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखा है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखा है, और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज परचेजर और हायर वेंडर के खाते में, दोनों के बुक में हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप हेडिंग डाल दें, जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज। दोनों के बुक में हम लोग एक साथ जर्नल एंट्री सीखेंगे, हायर परचेजर और हायर वेंडर के खाते में। जिससे हम लोग असेट्स खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर, और जिसने असेट्स खरीदा है यानी हम लोगों ने अगर असेट्स खरीदा है तो हम लोग हो गए हायर परचेजर। हायर परचेज सिस्टम के तहत खरीदा है इसलिए हायर वर्ड दोनों में इंक्लूड है। चलो जर्नल एंट्री, सबसे पहले व्हेन असेट्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के तहत जब असेट्स खरीदा जाता है तो मान लेते हैं हम लोग ट्रक खरीदा है, हम लोगों ने असेट्स की जगह में ट्रक, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग ट्रक परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर वेंडर ट्रक बेचेगा तो ये एंट्री करेगा, किसको बेचा है जी, हायर परचेजर को। परचेजर का नाम होगा तो लिखेगा, और अभी तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट बिंग ट्रक सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। दूसरा एंट्री, व्हेन कैश व्हेन डाउन पेमेंट मेड। जब डाउन पेमेंट किया जाएगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड। इसको कैश रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। तीसरे एंट्री में हो जाएगा व्हेन इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हम लोग, अब एक साल पूरा हो गया है या इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया है पे करने का, तो उस दिन हम लोग ये एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंसेस है या लॉसेस है जो भी समझें, डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद फोर्थ एंट्री में व्हेन
the amount of installment paid. जब installment का amount pay किया जाएगा तो purchaser hire vendor account debit to bank account. ये पैसा receive करेगा तो bank account debit to hire purchaser account being the amount of installment received being the amount of installment paid. ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा. इसके बाद फोर्थ एंट्री के बाद पांचवा एंट्री में व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री सिर्फ परचेजर खाते में होगा क्योंकि एसेट्स इसी के पास है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा. डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट या जो भी एसेट्स आपने रखा है उसका नाम लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. इसके लिए वेंडर के पास कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि उसके पास कोई एसेट्स नहीं है. डेप्रिसिएशन हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, कोई भी बिजनेसमैन बनाता है तो जो भी हम लोग एसेट्स लेते हैं उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको भी हम लोग को चार्ज करना होगा तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो पाएगा. इसलिए डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग डालेंगे. छठा एंट्री होगा व्हेन द अमाउंट ऑफ हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. हायर सेल्स को जब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सेल किसने किया है, हायर वेंडर ने, तो सिर्फ हायर वेंडर के खाते में ही एंट्री होगा. हायर सेल्स पहले हम लोगों ने कीट करके रखा है, जब ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग करेंगे हायर सेल्स को डेबिट. हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब एक एंट्री बचा है हमारा सेवेंथ एंट्री व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. जब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो डेबिट करके रखा है हम लोगों ने. दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट. डेबिट किसको करेंगे जी, पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. वेंडर के खाते में सिर्फ इंटरेस्ट है, वो भी क्रेडिट हो रखा है क्योंकि इसके लिए इनकम है. ट्रांसफर कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. अब आपका ये सारा एंट्रीज कंप्लीट है. तो जर्नल एंट्री हमारा हो चुका है, ठीक है.
जर्नल एंट्री हमारा हो गया है। अब हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, ठीक है, एक साथ लास्ट में आप ले लेना स्क्रीनशॉट। अब डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन के लिए आप हेडिंग डालिए, हायर परचेजर के पास जो एसेट्स होगा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेशन के 8 मेथड हम लोगों ने 11 के बुक में आपको दिख रहा था, 2 मेथड हम लोग काम के हैं, हम लोगों ने सीखा था, आज भी हम लोग उसी 2 मेथड को सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये किसके खाते में होगा जी, परचेजर के खाते में, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर ही सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा क्योंकि परचेजर के पास ही एसेट्स है। 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ, SLM, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस मेथड, या कह सकते हैं कैश प्राइस मेथड, या कहें कैश वैल्यू मेथड, ये एक ही मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक हमारा एसेट्स है, एसेट्स ट्रक ले लेते हैं, चलो ट्रक हम लोगों ने पहले ले रखा है, ट्रक हमारे पास एक है, 10,000 का ट्रक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से और फॉर थ्री इयर्स हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैश प्राइस ऑफ ट्रक ये है 10,000 का, लेस फर्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ट्रक का वैल्यू बचा है 1,000। सेकेंड ईयर लेस डेप्रिसिएशन, फिर से हमारा 10,000 पर ही 10% चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, 1,000 का डेप्रिसिएशन, वैल्यू बचा है 1,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो 8,000 बचेगा। फिर से अब थर्ड ईयर लेस डेप्रिसिएशन, अगेन 10,000 का 10%, 1,000 वैल्यू बचेगा आपका 7,000। यानी 3 साल एसेट्स को यानी ट्रक को यूज करने के बाद आपका डेप्रिसिएशन होने के बाद ट्रक का आज प्रेजेंट वैल्यू है 7,000। देखिए दूसरा जो वैल्यू है, दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे, अब दूसरा जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या इसी को कह सकते हैं रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। इस मेथड में हम लोग का जो वैल्यू है डिप्रेशन का कैलकुलेशन जो है रिड्यूस्ड वैल्यू पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रक, सेम ट्रक हमारा है 10,000 का और डिप्रेशन है 10%,
थ्री इयर्स के लिए चार्ज करना है और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड हम लोग को अप्लाई करना है। देखिए, तो सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ ट्रक, का कैश प्राइस है 10,000, फर्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन 10,000 का 10%, 1,000 हम लोग लेस करेंगे, ट्रक का वैल्यू हो गया आपका 9,000। सेकेंड ईयर लेस डेप्रिसिएशन, अब ध्यान दीजिए 9,000 आज के रेट में हमारा वैल्यू जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, एक साल यूज करने के बाद ट्रक का वैल्यू है 9,000, इसका नाम क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू है ना, रिड्यूस्ड वैल्यू पर डिमिनिशिंग वैल्यू या फिर रिड्यूसिंग वैल्यू। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो चुका है और अब जो इसका बैलेंस बचा है उस रिड्यूस्ड वैल्यू पर, यानी 9,000 पर आज जो वैल्यू है उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो फिर 900 वैल्यू बचा है 8,100। और अब थर्ड ईयर हम लोग करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, 8,100 का 10%, ये हो जाएगा हमारा 810,7290 आज के रेट में हमारा वैल्यू बचेगा। तीन साल यूज़ होने के बाद मशीन का वैल्यू इधर देखिए 7,000 है, तीन साल मशीन यूज़ होने के बाद इधर वैल्यू है मशीन का 7,290। यानी फर्स्ट मेथड में इसका वैल्यू ज़्यादा डेप्रिसिएट हुआ है, इधर कम डेप्रिसिएशन हुआ है। एक्चुअली में यही प्रैक्टिकल मेथड है, क्योंकि जो वैल्यू आज है उसी पर आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पिछला वाला जो मेथड है ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारा 9,000 का तो वैल्यू है ही नहीं, सॉरी 9,000 का वैल्यू है, हम लोग हर साल 10,000 पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया है। किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपका SLM हो तो ऐसे, और डिमिनिशिंग वैल्यू हो तो ऐसे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो जी, जर्नल एंट्री तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक खास बात है जर्नल एंट्री में कि डेट और अमाउंट कौन सा हम लोग डालेंगे। तो अमाउंट यहाँ पर हम लोग डालेंगे कैश प्राइस का अमाउंट डालेंगे, यहाँ हम लोग डाउन पेमेंट का अमाउंट डालेंगे, यहाँ हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट डालेंगे, यहाँ इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डालेंगे, यहाँ तो हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, यहाँ हो जाएगा कैश प्राइस का अमाउंट, इसमें भी वही अमाउंट। दूसरी बात काम की जो है वो डेट हम लोग सर कौन सा डालेंगे। तो जिस दिन डेट ऑफ परचेज, ये एंट्री होगा डेट ऑफ परचेज, ये एंट्री होगा डाउन पेमेंट, डेट ऑफ डाउन पेमेंट। बात ऐसा है कि जिस दिन हम लोग परचेज करते हैं उसी दिन डाउन पेमेंट करते हैं, तो ये दोनों डेट जो है सेम होगा। इंटरेस्ट ड्यू किस दिन हम लोग करेंगे, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो जिस दिन हम लोगों ने खरीदा है एसेट्स उसके ठीक एक साल के बाद, यानी 1 अप्रैल को अगर हम लोगों ने खरीदा है 2020 को, तो 31 मार्च 2021 एक साल के बाद लास्ट डेट को ये होगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब होगा जी, इंस्टॉलमेंट वाले दिन होगा, ये कब होगा, ये भी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये एंट्री होगा व्हेन द अमाउंट, ये भी होगा इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट वाले दिन होगा ये भी, और बस ये है। तो इस तरह से हम लोगों को एंट्री पास करना है। तो आज हम लोगों ने जर्नल एंट्री देख लिया है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जर्नल एंट्री का, और अब आप डेप्रिसिएशन का, आप स्क्रीनशॉट ये लो जी, डेप्रिसिएशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जर्नल एंट्री परचेजर और वेंडर दोनों के खाते में सीख लिया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना सीख लिया है, अब बेसिक सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक, आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय।